फिर बच्चे उसका सेकंड पार्ट है क्वाड्रेटर जे यू एम पी, जो ये जंप लिखा है इस क्वाड्रेटर को कंस्ट्रक्ट कर। हमारे पास क्या क्या गिवन है बच्चों, जे यू यू एम एम पी ये सभी गिवन है। इसको हम लिख लेते हैं, जे यू है हमारे पास 3.5, यू एम है 4 सेंटीमीटर, एम पी है 5 सेंटीमीटर, पी जे है 4.5 और PU है हमारे पास 6.5। ये तो बच्चों क्या हो गया, गिवन आ गए। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, रफ स्केच बनाएंगे। अब इस क्वाड्रेटर का नहीं पता ये कैसी है, कि किस शेप में बनेगी, स्क्वायर रोम्बस रेक्टेंगल कैसी है, नहीं पता। हम सिंपल बनाते हैं बच्चों ऐसे ही, नाम रख देते हैं जे यू एम पी। जे यू है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, यू एम है 4 सेंटीमीटर, एम पी है 5 सेंटीमीटर, पी जे है 4.5 और बच्चों पी यू है हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमने रफ स्केच बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी फिगर बनाएंगे। फाइनल फिगर क्या आएगी हमारे पास, फाइनल फिगर के लिए बच्चों यहां बनाते हैं। सबसे पहले क्या ले हम नीचे, जे यू आएगा हमारे पास, जे यू ले लिया हमने। कितना है बच्चों, ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये बना दिया बच्चों हमने। ड्रो ए, फिर जो आप लोग इसकी कंस्ट्रक्शन लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, ड्रो ए लाइन सेगमेंट जे यू ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। यहां ले लेते हैं बच्चों का स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी। पहले क्या आ जाएगा, ड्रो ए लाइन सेगमेंट कौन जे यू इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। फिर बच्चों जे यू से हम क्या कर रहे हैं, पी पॉइंट पे जाएंगे। अब हम पी पे क्यों जाएंगे, क्योंकि पी तक जाने के दो रास्ते हैं हमारे पास। एक हम जे से पी तक जा सकते हैं, एक यू से पी तक जा सकते हैं। हम जे से पी तक चलेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगेगी, तो कंपास ओपन करते हैं बच्चों 4.5 सेंटीमीटर रेडियस की। तो फिर जे पॉइंट पे रखे, यहां रख के एक आर्क लगा देते हैं, ये लगा दिए हमने, ठीक। फिर बच्चों पी तक हम कैसे जाएंगे, यू से भी जा सकते हैं, यू से पी तक रास्ता है। कितना, 6.5 सेंटीमीटर। फिर बच्चों कंपास ओपन करेंगे 6.5 सेंटीमीटर की, यू पे रख के आर्क लगाएंगे, ये आर्क लगाएंगे जो पहले वाले आर्क को किस अंग्रेजी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहां इंटरसेक्ट करें। तो नाम क्या रख देंगे इसका, पी रख देंगे बच्चों। इसको यहां मिला देते हैं और इसको यहां मिला देते हैं, यहां मिला देते हैं। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 4.5 और ये आ जाता है 6.5 सेंटीमीटर। इसी को हम यहां लिख देते हैं। सेकंड स्टेप क्या आएगा, ड्रो एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट जे। फिर आएगा बच्चों ड्रो अनदर आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट यू। यह आ जाएगा बच्चों इंटरसेक्ट करें पी पॉइंट पे, हमने इसको ज्वाइन करा दिया पी जे पी यू। फिर बच्चों तीन आ चुके हैं, पी जे यू एम बचता है। एम तक भी जाने के देखो बच्चों दो रास्ते हैं हमारे पास, एक हम पी से एम तक जा सकते हैं, एक यू से एम तक जा सकते हैं। तो पी से भी जाएंगे, यू से भी जाएंगे हम। यू से 4 सेंटीमीटर के आर्क लगाएंगे, यहां से 4 सेंटीमीटर रेडियस के आर्क लगा देंगे बच्चों। फिर पी से एम तक कितना है, 5 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे बच्चों, पी से एम के लगा देंगे हम 5 सेंटीमीटर। जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे इसका नाम आ जाएगा क्या, एम आ जाएगा। एम आ जाएगा तो बच्चों इसको मिला दो। तो ये आई थी हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ये आई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। फिर ऐसे ही हमें इसके स्टेप्स लिख लेने हैं। सिंपल सी फिगर है, सिंपल से क्वेश्चन है। क्या किया, पहले जे यू लिया हमने, जे से एक आर्क लगाई क्योंकि यहां पे दिखाई दे रहा था हमें। अभी रफ स्केच का फायदा यह है कि हमें यह पता लग जाता है कि किस पॉइंट से कहां आर्क लगानी है। अगर हम एक पॉइंट पे दो रास्ते जा सकते हैं, मतलब पहले वहां जाएंगे, ठीक है, उसके बाद तीसरे वर्टेक्स की तरफ बढ़ेंगे।
तो पी पॉइंट पे हम दो रास्ते से आ सकते हैं बच्चों, जे से और यू से हम चले गए, फिर ये हमारे बन जाते हैं। फिर इसके बाद आपको सारे स्टेप लिख लेने, छह सात स्टेप जो जो काम करते रहेंगे वो आपको लिखते रहेंगे, ठीक है, ये हो जाता है हमारा। फिर बच्चों हमारे पास थर्ड पार्ट आता है, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है एम ओ आर टी, और ये गिवन है, लिख देते हैं इसको जो गिवन है हमारे पास ओ आर 6 सेंटीमीटर, आर ई 4.5 सेंटीमीटर, ई ओ 7.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है बच्चों। है क्या ये पैरेललोग्राम है, तो रफ स्केच बनाते हैं। पैरेललोग्राम बनाएंगे बच्चों तो हम, क्योंकि रफ स्केच किसका बनेगा, पैरेललोग्राम का नाम रख देते हैं एम ओ आर ई। अब जब बच्चों इसने बोल दिया कि ये पैरेललोग्राम है तो हमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, डायगोनल्स और एंगल्स की अभी ना बात करके कम से कम साइड्स की जरूरत पता होना चाहिए। तो बच्चों ओ आर है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, आर ई है 4.5 सेंटीमीटर, ई ओ एक डायगोनल है ये है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर, यही गिवन है बच्चों हमारे पास। इसी की हेल्प से हमें पूरी कंस्ट्रक्शन करनी है, पूरी कंस्ट्रक्शन भी करेंगे हम। अब ये हमने लिख दिया बच्चों, ठीक है, ये काम करने से करने के बाद हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, अगर ये 4.5 है तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगी, ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी बच्चों, यह आएगा हमारे पास। इस बात को हम लिखेंगे, ठीक है, लिख देते हैं सिंस एम ओ आर ई इज ए पैरेललोग्राम तो क्या होगा, देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड बच्चों कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इक्वल कौन कौन आया हमारे पास, एम ओ इज इक्वल टू ई आर कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर, ऐसे ही बच्चों ई एम इज इक्वल टू आर ओ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाता है बच्चों। अब देखिए हमारे पास हमारे देखो 5 साइज 5 क्वांटिटी ही गिवन है, 5 ही गिवन है, 5 के लिए तो बच्चों हमें आता ही है कैसे कंस्ट्रक्ट करें। सबसे पहले एम ओ को ले लेते हैं, ये ले लिया बच्चों हमने एम ओ कितना है 4.5 सेंटीमीटर, ये ले लिया हमने। अब एम ओ की हेल्प से कहां जा सकते हैं बच्चों, ई पे जा सकते हैं या आर पे, ई पे जा रहे हैं हम तो ई पॉइंट को लेके आएंगे हम, एम से ई तक 6 सेंटीमीटर है, ओ से ई तक 7.5, तो एम पे कंपास रख के 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे बच्चों हम, लगा दिए हमने। फिर O पे कंपास रख के 7.5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाएंगे हम, ये लगा दे बच्चों, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे जहां पे भी उसको रख देंगे E पॉइंट, फिर इनको ज्वाइन करा देंगे हम। ये था बच्चों हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों हम कहां जाएंगे, R पॉइंट रहेगा हमारा, E से R तक जा सकते हैं, O से R तक जा सकते हैं, E से R तक आएंगे 4.5 है, O से R तक आएंगे 6 है, तो O से 6 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाते हैं और यहां पे 4.5 है, ठीक है, तो यहां से लगाते हैं बच्चों हम 6 सेंटीमीटर की और यहां से लगाते हैं हम 4.5 की, 4.5 पे लगाएंगे तो कहां आएगी, यहां आएगी, तो जहां भी इंटरसेक्ट करेगी हमारे पास उस पॉइंट को नाम रख देते हैं R, फिर इस पर ज्वाइन कराते हैं हम। ये था हमारे पास 4.5 और ये आ गया था 6, तो ये बच्चों हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाती है। देखिए बिल्कुल आसान है, ये आपको पता होगा तो आप बिल्कुल आसानी से इस तरह बना सकते हैं। फिर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, Q
क्या आएगा फर्स्ट स्टेप, एक लाइन सेगमेंट लिया हमने, ड्रो एमओ कितना लिया बच्चों 4.5 सेंटीमीटर, फिर दो आर्क लगाई एम से और ओ से जो कि टी पे इंटरसेक्ट करते हैं, ड्रो टू आर्क फ्रॉम पॉइंट एम एंड ओ ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर एंड दे इंटरसेक्ट, कहां इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, ई पॉइंट पे ही करती है, एंड दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, फिर इसको हमने ज्वाइन करा दिया किस किस को, ई एम और ई ओ को, ई एम एंड ई ओ, फिर इसके बाद फिर हमने दो आर्क लगाई, फिर उनको हमने, ये सारे स्टेप बच्चे आपको लिख लेते हैं, सिंपल सी बात है। अब बच्चों जो आपका कोई भी लॉजिक हम लोग लिखेंगे, जैसे यहां हमने ये लगाई लॉजिक, इस लॉजिक को हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे, अगर हम एक तरफ प्लेन और एक तरफ लाइनिंग वाले नोटबुक में लिखते हैं तो ठीक है, जितना भी काम होगा वो सारा राइट हैंड साइड पे होगा, तो प्लेन साइड पे सिर्फ दो ही काम होंगे, एक तो रफ स्केच और एक हार्ड स्केच, बस इसके अलावा जो भी काम होगा वो राइट साइड लाइन वाले पेज पे। फिर बच्चों इसका लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बोल दो आप लोग, क्वेश्चन तो एक ही है उसका लास्ट पार्ट है, ठीक है, क्या है, रोमबस कंस्ट्रक्ट करने है हमें, जिसके अंदर हमारे पास नाम है उसका बीई एस टी और बीई दे रखी है हमें 4.5 सेंटीमीटर एंड ई टी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, इनकी हेल्प से रोमबस कंस्ट्रक्ट करनी है। तो गिवन में तो बच्चों दो ही चीजें आएगी हमारे पास, ये एक तो बीई आ गई 4.5 सेंटीमीटर और एक ई टी आ गई हमारे पास क्या 6 सेंटीमीटर। रफ स्केच बनाते हैं बच्चों, ये बना लेते हैं बच्चों, रोमबस है तो रोमबस बनाएंगे बच्चों, हम रोमबस जानते ही हो आप लोग की सारी सारी इक्वल होती है रोमबस की, ये बना लेंगे बच्चों, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं डैश बीई एस टी, बीई दे रखी है 4.5 और ई टी, ई टी मतलब डायगोनल है, ये कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों ये दे रखी है हमारे पास। और हम लोग यहां ये भी जानते हैं कि रोमबस क्या होती है, ऑल साइड सार इक्वल, ऑल साइड अगर इक्वल है तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगी और ये भी हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। देख लेते हैं बच्चों, वी नो दैट साइज ऑफ रोमबस आर इक्वल, इसकी सारी साइज इक्वल होती है, ऑल साइड ऑफ रोमबस आर इक्वल, तो यहां से हमारे पास बीई इज इक्वल टू ई एस इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया। तो बच्चों देखो पांच साइड है, बना लेंगे पांच पॉइंट, क्वांटिटी है हमारे पास, नीचे क्या ले लेते हैं बीई ले लेते हैं, कितना है बच्चों 4.5, फिर कहा जाएंगे ई पॉइंट में जाएंगे तो यहां पर 4.5 है, आज तक आते हैं बच्चों 4.5 की, और यहां से कितना है 6 सेंटीमीटर लगा देते हैं, जहां इंटरसेक्ट करेगा नाम ई रखेंगे, इसको मिला देते हैं बच्चों यहां से, तो ये कितना था 4.5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। फिर बच्चों टी हम यहां से टी और ई की हेल्प से एस पे जा सकते हैं, कितना यहां से 4.5 सेंटीमीटर लगाएंगे और यहां से भी 4.5 के लगाएंगे बच्चों, तो जहां भी इंटरसेक्ट करेगा उसका नाम रख देंगे एस, इसको ज्वाइन करा देंगे हम, तो ये भी हमारे पास 4.5 है और ये भी 4.5 है, तो ये बच्चों हमारे पास रोमबस बन जाती है। फिर क्या करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे,
draw BE 4.5 cm. Make an arc of 4.5 cm at point B and 6 cm at point E and they intersect at point B. Join TB and TC. Again, draw an arc from point T and E of 4.5 cm and they intersect at point E. Join these edges. Thus, the required BEST quadrilateral of rhombus is formed. ये बच्चों सारे स्टेप्स हो जाएंगे. स्टेप्स आपको अपने आप लिखने हैं. ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. जितने भी आपके स्टेप आएंगे 6 7 8 सारे लिखेंगे.